तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि अब हर रोज 2 घंटे अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर के जन समस्याओं को निस्तारण करेंगे और इस आदेश के बाद से मेरठ के सरकारी विभागों में व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ा है। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने कमिश्नर ऑफिस का जायजा लिया। देखिए, हर रोज 10 से 12 बजे तक 2 घंटे जन सुनवाई करेंगे, जन शिकायतों का निस्तारण करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं कमिश्नर मेरठ मंडल सुरेंद्र सिंह जी के कार्यालय पर, यह देखने के लिए कि क्या मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद किस तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए कि यहाँ समय से ही जो कमिश्नर हैं हर रोज अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज भी यहाँ पर जो जन सुनवाई है उनका निस्तारण किया जा रहा है। आसपास से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, चूंकि आज बारिश पड़ रही है तो बारिश की वजह से कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो भी लोग पहुंचते हैं यहाँ उनकी समस्याओं का जो निस्तारण है वो किया जाता है। सुबह से इसी तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में हर रोज लोग पहुंचते हैं, लेकिन बारिश की वजह से आज थोड़ी ये भीड़ कम है। जिस तरह की भी शिकायतें होती हैं उनको बाकायदा यहाँ पर नोट कर लिया जाता है और अगर आसपास के किसी जिले से भी शिकायत आती है तो उसको भी यहाँ नोट करने के बाद उसका निस्तारण करा दिया जाता है। खास बातचीत करेंगे हम कमिश्नर सुरेंद्र सिंह सर से। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि 2 घंटे अफसर बैठेंगे, आप तो मुमन रोज बैठते हैं, लेकिन पहले और अब में क्या थोड़ा एक अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, कोविड पीरियड में आपने देखा कि संकट का समय था जिसकी वजह से जनता दर्शन प्रभावित हुआ था, तहसील दिवस और थाना दिवस भी प्रभावित हुए थे। अभी जो नया शासनादेश है उसके तहत अब जो तहसील दिवस है वो प्रथम और तृतीय शनिवार को होगा, पहले ये मंगलवार को हुआ करता था, प्रथम मंगलवार तो तृतीय मंगलवार को, और जो थाना दिवस है वो पहले और चौथे को होगा। इसी तरीके से जो प्रत्यकाल जो जनता की सुनवाई होती है वो 10 से 12, क्योंकि कोविड संक्रमण काफ़ी डाउन हो गया तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ में अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए ये जनता दरबार शुरू करने का फैसला किया। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही केस कम हुए थे तो यहाँ पर शुरू कर दिया था। और इसके अलावा एक नई चीज़ जो हम लोगों ने शुरू की थी कि सभी अधिकारी, जैसे होता क्या कि सीनियर ऑफिसर बैठ जाते हैं ऑफिस में, बाकी लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो उसके लिए एक नई व्यवस्था का आरंभ किया था कि प्रत्येक जनपद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अब हम वीडियो कॉल करके बाकायदा मेरे पास रिपोर्ट आती है। डीएम भी इसी तरीके से करते हैं, तो मैं मंडल के 6 के 6 जिलों के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग कराते हैं और इसी तरह जनपद में अपने जनपदीय जो कार्यालय हैं उनसे कराते हैं। तो ये मेरठ मंडल में पहले से ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग 10 से 12 बैठें, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हमेशा से है कि जनता की सुनवाई हो और सुबह सब लोग गंभीरता के साथ में उनकी यादों की बात सुने, उनके प्रमाण पत्र को सब समय निस्तारित, जो गुणवत्ता है निस्तारण की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सनुज शर्मा,